तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जो है बात करने वाले कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि आप इंडियन मार्केट में 1 लाख से नीचे ले सकते हो। ये जो बाइक्स है वैल्यू फॉर मनी हो सकती है आपके लिए, एंड ये बाइक आपको अच्छी खासी माइलेज भी देगी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देगी। सो इनमें से कुछ एक दो बाइक ऐसी भी है जो आपको 125cc में देखने को मिलेगी या फिर 200cc में भी देखने को मिलेगी। सो इन सभी बाइक्स के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले। सो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। बाकी आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो बिकॉज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी डाला हुआ है। यदि आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो, वरना आप स्किप करके देख सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा यहाँ पे 150 से 160cc बाइक्स के बारे में जो कि मेरे पास आती है, 3 से 4 बाइक्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर 1 पे जो वैल्यू फॉर मनी बाइक मेरे को लगती है वो है यहाँ पे बजाज पल्सर NS160BS6। इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 1,03,000 रुपीज। मतलब ये जो सारी बाइक्स मैं आपको बता दूं इनका एक्सशोरूम प्राइस तो 1 लाख के करीब है, लेकिन ऑन रोड जाएगी 1,10,000 तक हाईएस्ट। सो ये बाइक भी आपको 1.10 से 1.12,000 तक देखने को मिलेगी हाईएस्ट। सो ये बाइक जो है काफी अच्छी है अपने सेगमेंट में। आपको यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पे लुक्स तो आपको मिलता ही है, काफी अच्छा लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। एक स्पोर्टी फील आने वाली है यदि आप इसको राइड करते हो। सो आपके जो 1 लाख रुपए आप दे रहे हो सो सारे वसूल हो जाने हैं। सो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। यहाँ पे गाइस आपको 160cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 FI ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग मिलती है ना कि एयर कूलिंग, जो कि इस सेगमेंट में शायद ही आपको किसी बाइक में मिलती होगी। तो यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग मिल जाती जो कि काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम माना जाता है इस रेंज में। तो यहाँ पे आपको 17.2 bhp की पावर भी मिलती है जो कि काफी ज्यादा है इस सेगमेंट में। 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क काफी अच्छा होता है, एंड यहाँ पे 5 स्पीड का गियरबॉक्स। 130 तक की आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। 40 से 45 तक की माइलेज, सिंगल चैनल ABS एंड स्पोर्टी बॉडी डिजाइन वो तो आपको मिलता ही है। एंड यहाँ पे जो आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, DRL आपको LED नहीं मिलती, वो भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलती है। डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे जो है ये बाइक काफी अच्छी है यदि कोई रेसिंग के शौकीन है, कोई रेस वगैरह मतलब ओवर स्पीडिंग करने के शौकीन है तो उसके लिए काफी अच्छी बाइक है। सो वो इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एंड में आपको बताऊंगा कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो भी एंड में आपको बता दूंगा। सो गाइस यहाँ पे बात करूँ सेकंड बाइक के बारे में, सेकंड बाइक हमारे पास आती है अपाचे RTR 162V BS6। सो ये बाइक भी अपने प्राइस में काफी अच्छे स्पेक्स ऑफर करती है। सो गाइस यहाँ पे जिसकी प्राइस है वो है 98,000 एक्सशोरूम, ऑन रोड जाएगी 1.10 लाख तक। सो सारी बाइक्स आपको 1.10 से 1.12 से नीचे से देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे इसकी जो ऑन रोड जाएगी वो 1.10 के लगभग जाएगी, 1.10। ये जो है इसके टॉप मॉडल की प्राइस बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ड्यूअल डिस्क मिलते हैं। यदि आप इसका ड्रम वाले वेरिएंट लेते हो तो आपको 1,03,000 या 1,05,000 तक देखने को मिल जाएगा। सो बाकी इस बाइक में जो आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी ग्राफिक्स वगैरह फिर काफ़ी कलर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस भी ये भी कम नहीं है NS160 से। एंड यहाँ पे गाइस आपको 159cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 FI एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग नहीं मिलती जो कि एयर कूलिंग से थोड़ी सी बेटर होती है। यहाँ पे आपको 15.5 bhp की पावर मिल जाती है, 13.9 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। 130 तक की आपको इसमें भी हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी। 35 से 45 तक की माइलेज आप इजीली इससे ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको LED DRLs मिलती है जो कि देखने में काफी शानदार लगती है डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी, बिकॉज लुक काफी अच्छा निकल के आता है इन DRLs की वजह से। यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड देखने में नाइट में काफी अच्छी लगती है उसकी लाइटिंग। जो इसका मीटर कंसोल है उसकी लाइटिंग काफी अच्छी लगती है, ब्लू कलर या फिर रेड कलर की मिक्सिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिलती है, NS में आपको ड्यूअल सीट मिलती है, मतलब स्प्लिट सीट मिलती है। सो वो थोड़ी सी बेटर है इस मामले में, बिकॉज यहाँ पे जो है कंफर्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा यदि आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो। तो यहाँ पे आप 50-70 किलोमीटर इजीली राइड कर सकते हो, बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने भी ये बाइक रखी थी काफ़ी दिनों तक। सो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कंफर्ट यदि आप सिंगल राइड कर रहे हो मतलब राइडर के लिए ठीक है, लेकिन यदि आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी पिलियन को, बिकॉज पीछे की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। बाकी यदि आपको चाहिए एक शॉर्ट राइड के लिए तो काफ़ी अच्छी बाइक है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो इसका पिकअप है बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स है, मतलब जैसे ही आप थ्रोटल देते हो सो बाइक बिल्कुल मतलब दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सो काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको पिकअप वगैरह देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस के मामले में ये भी कम नहीं है। सो गाइस बात करें अभी थर्ड बाइक के बारे में, यहाँ पे हमारे पास आती है हीरो की एक्सट्रीम 160R BS6। ये बाइक जो है जल्द ही लॉन्च होने वाली है, मार्च में लॉन्च होनी थी लेकिन अब जो है आपको लॉकडाउन के बाद ही देखने को मिलेगी, लगभग अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो भी 1 लाख रुपीज तक ही होने वाली है। गाइस यहाँ पे आपको 159cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 FI एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। 15 bhp की पावर, 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 5 स्पीड का गियरबॉक्स, सिंगल चैनल ABS, 35 से 45 की माइलेज आप इससे भी इजीली ले सकते हैं। 125 तक की आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी, फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने
देखने को मिल जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फुली एलईडी हेडलाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे लुक के साथ में आपको देखने को मिलेगी। एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो कि इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एंड एलईडी टेल लाइट भी मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। सो लुक वाइज इस बाइक में जो है कोई भी कमी आपको नहीं लगने वाली। एंड यहाँ पे जो है बेस्ट इन लुक बाइक आप इसको बोल सकते हो। सो लुक में काफ़ी अच्छी बाइक है। सो गाइस आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस अभी बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है हीरो की एक्सपल्स 200T BS6 जो कि अभी जल्द ही लॉन्च होने वाली। इसका BS4 मॉडल आपको काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिल जाएगा। यदि किसी डीलरशिप में आपको अवेलेबल मिलता है तो आप वहाँ से ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके जो प्राइस है BS6 मॉडल की वो भी आपको 110,000 तक देखने को मिलेगी ऑन रोड। तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो, आपको जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो जितनी भी BS6 बाइक्स वगैरह वो सब लॉन्च हो जाएंगी। सो उनकी कोई टेंशन मत लेना, बिकॉज जल्द ही सारी लॉन्च होने वाली है। ये सारी मार्च में हो जानी थी लॉन्च, बिकॉज जो लॉकडाउन वगैरह है इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई। सो बाकी बात करूँ इस बाइक के बारे में, सोचा यहाँ पे जो है 200cc में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको इतने कम प्राइस में और इतने अच्छे स्पेक्स के साथ में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे 199cc का सिंगल सेंटर फोर स्ट्रोक BS6 FI ऑयल कूलिंग इंजन मिल जाता है आपको इसमें। यहाँ पे आपको पहले एयर कूलिंग मिलता था BS4 में, लेकिन अभी जो है आपको इसमें FIB और ऑयल कूलिंग भी मिल जाती है। 18.4 BHP की पावर एंड 17.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 130 से 140 तक की हाई स्पीड आप इससे इजीली अचीव कर सकते हैं एंड 35 तक की माइलेज इजीली आप इससे ले सकते हैं। गाइस इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यदि किसी की हाइट कम है तो वो एक बार टेस्ट राइड ले लेना, उसके बाद ही शायद आपको अच्छे से पता चले कि आप इसके लिए कंफर्ट है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे जो है गाइस आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाते हैं, यहाँ पे सिंगल सीट मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। सो गाइस आप इसके लिए वेट कर सकते हो। इसका जो BS6 मॉडल है वो आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, जैसे ही इसका लॉकडाउन वगैरह हटता है सो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी BS4 भी काफी अच्छा था। सो गाइस 200cc में काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो चलिए बात करते हैं अभी फिफ्थ बाइक के बारे में। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आती है बजाज की पल्सर 150 UG5 BS6। ये जो बाइक है इसकी प्राइस लगभग 95,000 ऑन रोड जाएगी 1,05,000 तक, उससे नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ ड्यूअल डिस्क जिसमें आपको ड्यूअल डिस्क मिलता है। तो यहाँ पे 1,00,000 से नीचे आपको इसका ड्रम वाले वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है, माइलेज में भी अच्छी है, डेली कम्यूट आप इससे इजीली कर सकते हो, परफॉर्मेंस ही आपको एवरेज दे देती है। यहाँ पे गाइस आपको 149cc का सिंगल सेंटर फोर स्ट्रोक BS6 FI एयर कूलिंग इंजन मिल जाता है, 14 BHP की पावर मिल जाती है, 13.25 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क एंड 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे 40 से 45 तक की आपको माइलेज इजीली मिल जाएगी, हाईवे पे आपको लगभग 55 तक भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे गाइस आपको 110 से 125 तक की हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी हाईवे वगैरह पे। एंड स्प्लिट सीट आपको इसमें मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको देती है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अपाचे RTR 162 ही BS6 से ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिलने वाला है। यदि आपको एक डेली कम्यूटर बाइक चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको DRLs वगैरह नहीं मिलती, डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस आप इस बाइक के लिए जा सकते हो, 1,05,000 तक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो यहाँ पे आप इसके लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी बात करते हैं लास्ट बाइक के बारे में। लास्ट बाइक हमारे पास आती है होंडा की SP125 BS6 मॉडल, जो कि ये लगा लो कि भाई सबसे पहले जो है BS6 में काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च की गई थी बाइक। सो यहाँ पे आपको फीचर्स अच्छे खासे मिलेंगे, माइलेज अच्छी खासी मिलेगी एंड परफॉर्मेंस भी जो है आपको एवरेज मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 76,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। जो आपको डिस्क वाला मॉडल मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो इसका टॉप मॉडल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 87,000 तक आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। 87,000 आप इससे अच्छी खासी माइलेज या फिर अच्छे खासे फीचर्स ले सकते हैं। सो गाइस यहां पे इस बाइक में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, 10.8 BHP की पावर एंड 10.9 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 50 से 60 तक की माइलेज आप इससे इजीली निकाल सकते हो, 110 तक की हाई स्पीड भी आपको मिल जाएगी, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है एंड यहां पे जो है आपको गियर इंडिकेटर तक भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि जितनी भी मैंने बाइक्स बताई है इनमें किसी में आपको नहीं मिलने वाला। सो गाइस यहां पे जो है फीचर्स की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहां पे आपको स्टाइलिश अलॉयज देखने को मिलेंगे, कूल ग्राफिक्स देखने, मतलब ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक में एंड फुली LED हेडलाइट मिलती है, जो कि एक 125cc में बोलूंगा आपको कि 125cc में यदि आप कोई लेना चाहते हो तो इसके अलावा कोई भी मत ले लेना, बिकॉज यहाँ पे जो है ये बाइक आपके पूरे पैसे वसूल कराने वाली है। सो इस बाइक की तरफ आज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आँख बंद करके आप इस बाइक को ले सकते हो। सो चलिए अभी बात करते हैं फाइनली कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस पर्पज़ के लिए किसको कौन सी
लेनी चाहिए। तो चलिए भी बात करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। यदि किसी को चाहिए परफॉर्मेंस बाइक, वो सोच रहे हैं कि भाई मेरे को माइलेज से कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा बजट जो है 1 लाख या फिर 1,10,000 है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च कर सकता और इतने में मेरे को अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए। सो मैं आपको बता दूँ, आप अपाचे आरटीआर 162 भी ले सकते हो, उसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी, एंड एनएस 160 भी ले सकते हो। यदि आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एनएस 160 के लिए, सो आप एनएस 160 ले सकते हो। बाकी यदि आपको शॉर्ट राइड करनी है तो आप अपाचे भी ले सकते हो। सो गाइस, अभी बात करता हूँ माइलेज। यदि आपको माइलेज चाहिए, ओनली माइलेज, मेरे को परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे को सिर्फ माइलेज चाहिए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाए बस, वही ठीक है मेरे लिए, सो वो जा सकते हो SP125 के लिए। आँख बंद करके इस बाइक को ले सकते हो। उसके अलावा बात करूँ ऐसे बंदों के बारे में जो सोचते हैं कि भाई हमें माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाए एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी खासी मिल जाए, सो यहाँ पे उसके लिए जो है यहाँ पे दो बाइक्स है, हीरो की एक्सट्रीम 160R एंड पल्सर 150। सो इन दोनों बाइक्स को आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें लुक भी अच्छा खासा हो, पावर भी अच्छी खासी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो और प्राइसिंग भी ज़्यादा ना हो, सो यहाँ पे आप जाओ NS160। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो NS160 है, सो आप इसके लिए जा सकते हो। बाकी गाइस, कोई भी डाउट्स आपके इंस्टा पे DM कर देना, कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।